बार जो CPL का ये 5वां एडिशन होने वाला था, खिलाड़ियों के साथ अंदरूनी कलह चल रहा था, हमें 112 खिलाड़ियों की ही जरूरत है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है। और आज बहुत दिनों के बाद हम क्रिकेट पे रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, और साथ ही साथ एक CPL जो चकाई प्रीमियर लीग के नाम से जाना जाता है, शायद उनके आयोजक कर्ता से आज उनसे आप लोगों को मिलवाएंगे, साथ ही कुछ CPL से जुड़ी बातें भी आप लोगों से मतलब शेयर करेंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल में गुड्डू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार जो CPL का ये शायद 5वां एडिशन होने वाला था, तो अभी तक जैसे कि जनवरी में स्टार्ट हो जाता था, तो क्या कारण रही है जो कि अभी तक शुरू नहीं हो पाई है? देखिए, कुछ हम लोग का अंदरूनी कलह चल रहा था हम लोग का खिलाड़ियों के साथ, इसके कारण इस बार CPL लीलूडी में ना होके भगवान के फील्ड में हुआ था। और संयोग कहिए या कुछ बातें होगी जिसके कारण CPL नहीं हो पाया, और इस बार हम लोग CPL ना करके चैंपियंस प्रीमियर लीग के नाम से इस बार हम टूर्नामेंट करा रहे हैं, ताकि आने वाला दिन में कभी बखेड़ा उस पर खड़ा ना हो। और अब तक लगभग 141 खिलाड़ी जो कि फॉर्म भर चुके हैं, हमें 112 खिलाड़ियों की ही जरूरत है, और देखता हूँ अगर हो सके तो 17 तारीख से नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी, हम बात करेंगे कहीं ना कहीं ये जो क्रिकेट में जो राजनीति की तरफ बातें कुछ आ चुकी थी, जो जिस कारण से CPL अभी तक जो 3 सीजन जो यहाँ लीलूडी के ऐतिहासिक ग्राउंड पे खेला गया था, कुछ किन्हीं लोगों की वजह से उन्हें शिफ्ट कर दिया गया था भगन के मैदान पे, और जो चकाई प्रीमियर लीग नाम से जो था उसे चेंज किया गया, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि जो CPL का शुरुआत है हमारे द्वारा किया गया था, लेकिन एक अच्छा फैसला आपके द्वारा देखने को मिला कि इस बार आपने CPL का जो नाम था वो चेंज कर दिया चैंपियन प्रीमियर लीग, क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, चूंकि मैं बता देना चाहता हूँ आप लोग को कि CPL जो था उसका भी मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, ठीक है, लेकिन अगर किन्हीं को लगता था कि मैं CPL को स्टार्ट किया या प्रारंभ किया, तो मैं उनको पूरी तरह से उनका जो मालिकाना हक है उनको दे दिया हूँ। अब मैं CPL के जगह पे चैंपियन प्रीमियर लीग 24 जी। इस बार सीजन 1-2 नहीं होगा, 24-25 ऐसे करके, तो हर साल जिस तरह साल चलेगा उसी तरह निश्चित तौर पे पूरी तरह से आपने इसे चेंज कर दिया, और मैं इसको रजिस्ट्रेशन करवा भी लिया हूँ, इस नाम को भी मैंने अपना लोगो ले लिया, अपने नाम पर मालिकाना हक ले लिया, ताकि आने वाले दिनों में कभी उस पर कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। तो जो ये जो बीत गई सो बात गई, तो आप जो इधर का जो सीजन हो CPL जो चैंपियन प्रीमियर लीग की शुरुआत होने वाली है, तो आप लोग बहुत IPL के बेस पे आप लोग करवाते हैं, ऑक्शन होता है, फिर खिलाड़ियों का जो नीलामी होता है, फिर 8 मालिक आते हैं, तो क्या इस बार भी सेम प्रोसेस है? सेम प्रोसेस होगा, सिर्फ नाम चेंज है, बाकी कुछ नहीं चेंज है, और पिछले साल की अपेक्षा इस बार और भव्य तरीके से टूर्नामेंट का आयोजन कराएंगे। अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी आए हैं, बाहर से भी खिलाड़ी आए हुए हैं, और मैं सबसे अपील भी करता हूं कि सभी लोग आए, जुटे और मतभेद भुलाकर आराम से टूर्नामेंट खेलिए, उसका आनंद उठाइए। तो आप तो CPL का क्या मतलब सचिव है या फिर अध्यक्ष? अध्यक्ष तो हमारे शिवम जी हैं, हमारे अध्यक्ष शिवम उपाध्याय जी हैं, वो भी यहीं उपलब्ध हैं, वो यहीं पे हैं, अगर आप उनसे कुछ बातें लेना चाहते हैं तो जी मैं उनसे भी बात करूंगा, लेकिन आप लोगों तमाम दर्शकों को बता देना चाहता हूं, CPL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से जूनियर से सीनियर सभी बड़े छोटे नाम के खिलाड़ी अपने प्रतिभा को दिखाते हैं, और जितना भी श्रेय दिया जाए गुड्डू भैया को उतना कम है, क्योंकि इन्हीं के वजह से CPL जैसे बड़े लीग जो कि शायद ही जहां तक मैं मुझे पता है इस जमुई जिला में एक पीस होता है शायद, क्या मैं सही बोल रहा हूं ना? देखिए, टूर्नामेंट मेरे अकेले दम पे नहीं होता, इसमें हमारे समस्त गाँव वालों का भी बहुत ही योगदान होता है, वो लोग सब लोग सहयोग करते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चलते हैं, तभी हम टूर्नामेंट करा पाते हैं और अच्छा से इसका आयोजन करा पाते हैं और सफल करा पाते हैं। तमाम दर्शक, नीलामी का जो ऑक्शन का ये प्रक्रिया है वो कब से स्टार्ट है, वो एग्जैक्ट तारीख बता दें और किस जगह पे होगा? अभी फाइनल टूर्नामेंट चल रहा है कोई BPL का, ठीक है, उसका फाइनल मुकाबला होने वाला है कल या परसों, उसी के कारण हम नीलामी की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे थे। अभी हमारे साथ अध्यक्ष साहब भी हैं, उनसे भी कुछ आप जानकारी लेना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनसे बात करूंगा। तो ऑक्शन का डेट तारीख नहीं बताया, 17 या 18 के, ये 3 डेट के बीच में, 16 फरवरी जनवरी, हाँ, ये 3 दिन जनवरी 3 दिन बाद। और CPL का उद्घाटन मैच जो होने वाला है वो कब से होगा, और वो कौन सा बड़े नाम होंगे जो उद्घाटन के लिए आएंगे? नहीं, अभी तक हमने वो तय नहीं किया, वो मैं बताना भी उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि कुछ बातें वो गोपनीय रखना जरूरी है। उद्घाटन जो करेंगे वो कुछ बहुत जल्द आपके बीच में उनका नाम आपको आ जाएगा, उनके नाम से बैनर भी आपको देखने को मिल जाएगा। और रही बात खिलाड़ियों की,
तो खिलाड़ियों का भी सारा प्रक्रिया रेडी हो गया, मैंने उनका पेपर भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा चीज़ कंप्यूटर पर बना लिया है, बहुत जल्द नीलामी के लिए आपको देखने को मिलेगा, नीलामी हो जाएगी। तो क्या आने वाले बाधाओं से आप निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है? अरे बिल्कुल, बाधाएं नहीं होती है, मान क्या बोले किन्हीं किन्हीं का मानसिक समझ सकते हैं। तो राजनीति करते हैं कहीं ना कहीं, खेल में राजनीति लाते हैं। बिल्कुल, तो उन लोगों से भी निवेदन है कि आप अपने जो राजनीतिक है वो कृपया ये क्रिकेट खेल में ना करें, खेल से खिलाड़ियों को खेलने दें, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ावे, क्योंकि CPL पूरे चकाए का लीग है। तो आपसे निवेदन है कि आप भी सहयोग करें साथ ही साथ, बाकी बात हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आगे भी आपसे बात करेंगे जब ऑक्शन होगा। थैंक यू, ओके, धन्यवाद धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ, अगले वीडियो में हम बात करेंगे हमारे CPL के दो अध्यक्ष शिवम जी, तब तक के लिए धन्यवाद।